हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. वंस अगेन मैं सैयद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स. आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने बैकलिंक्स के बारे में. व्हाट इज बैकलिंक्स, बेनिफिट्स ऑफ बैकलिंक्स एंड वेयर यू विल गेट द बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट. दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स एंड लाइक जरूर करें और आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए. चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ. तो दोस्तों, बैकलिंक्स जो है वो एक तरीके का लिंक है जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर, किसी दूसरे ब्लॉग पर आप लिंक करते हैं. इसमें भी तीन टाइप होते हैं, एक इंटेंशनली और एक अनइंटेंशनली और एक बाय डिफॉल्ट. सो इंटेंशनली कैसा होता है कि आप उस ब्लॉग पर जाके, किसी दूसरी साइट पर जाकर आप अपना लिंक देते हैं, वो एक इंटेंशनली हो गया. अनइंटेंशनली कैसा होता है कि कोई दूसरा पर्सन, दूसरा SEO एक्सपर्ट ब्लॉगर, वो आपकी साइट का लिंक डालता है. ये एक आपका नेचुरल बैकलिंक हो गया. और थर्ड ऑप्शन होता है आपका कि अनइंटेंशनली, कि आप पेड करके और अनलिमिटेड टाइम देकर और अनलिमिटेड बैकलिंक बनाना चाहते हैं. तो ये एक उसका टाइप हो गया कि टाइप ऑफ बैकलिंक. अभी इसके अंदर आते हैं. इसमें टाइप ऑफ बैकलिंक्स में टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डू फॉलो बैकलिंक्स, एक नो फॉलो बैकलिंक्स. डू फॉलो क्या करते हैं कि डू फॉलो जिस भी साइट से आप बैकलिंक बनाते हैं तो उस साइट का रैंकिंग आपकी साइट को सपोर्ट करता है, और नो फॉलो बैकलिंक्स आपकी साइट को सपोर्ट नहीं करता. तो मेनली जितने भी फॉरम्स टाइप होते हैं, फॉरम्स होते हैं, वो डू फॉलो बैकलिंक्स पर चलते हैं. और मैक्सिमम जो ब्लॉग कमेंटिंग जो होती है वहां पर हमें नो फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं. तो दोनों ही बैकलिंक्स आपकी साइट को ज़रूरी है गूगल के लिए. गूगल का जो स्क्रॉलर है और एल्गोरिदम है, वो देखता है कि आपकी साइट पे किस टाइप के लिंक हैं. ओनली डू फॉलो है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी डिसएडवांटेजेबल. सो आपको डू फॉलो और नो फॉलो का कॉम्बिनेशन लेके ही चलना रहता है. तो उस तरह से आप आपकी साइट के लिए कंटिन्यूसली लिंक बनाइए. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है बैकलिंक. और दूसरा, एक इंटरनल लिंक्स का भी अभी गूगल रिसेंटली एक साल से ज़्यादा फोकस कर रहा है. आपकी साइट इंटरनल लिंक्स प्रॉपरली है या नहीं है, आप इंटरनल लीजिए. और एक्सटर्नल लिंक्स मीन्स आपके डोमेन के अलावा बाहर के दूसरे डोमेन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप लिंक्स में बहुत सारे टाइप्स बना दिए, जैसे सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, फॉरम कमेंटिंग, हाई PR कमेंटिंग, PR मीन्स पेज रैंक, हाई DA कमेंटिंग, डोमेन अथॉरिटी रैंक. तो जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे हाई DA, हाई PR पेज रैंक की साइट्स के लिंक आएंगे, आपकी साइट का प्रायोरिटी, आपकी साइट का रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. वो मैं अभी आपको बताऊंगा मैन्युअली करके कि किस टाइप्स के रहते हैं. तो जो बेनिफिट्स है वो ये है कि आपकी साइट्स की रैंकिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है जब आपको हाई अथॉरिटी साइट्स से बैकलिंक आपके ऊपर मिलता है. तो दोस्तों, अभी ये हाउ टू गेट बैकलिंक, इसका मैं जर्नली एक आपको एग्जांपल देकर आपको लेके चलता हूँ मेरे ब्राउजर की ओर, और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बैकलिंक्स बना सकते हैं. सो आपको गूगल में टाइप करना है डू फॉलो बैकलिंक लिस्ट, सॉरी, ये डायरेक्टली मेरा साइट ओपन हो गया है, एक ब्लॉग. आपको टाइप करना है डू फॉलो यहाँ पर आपको काफ़ी डोमेन मिलेंगे, काफ़ी रिजल्ट मिलेगा. आपको वन बाय वन सब पर जाना है. इसके अंदर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जिस पर आपको डू फॉलो बैकलिंक्स बनाना रहता है. तो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोरा पे जाइए. कोरा पे आप ओपन कीजिए कोरा को, और कोरा में कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसका आप आंसर दीजिए. जस्ट लाइक ये दिया हुआ है, विच आर द टॉप 10 वेबसाइट फॉर डू फॉलो बैकलिंक्स. तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा. एडमिन जोन है, एफिलेट फिक्स फॉरम है, एंटी ऑनलाइन है. सो आपको ये साइट्स पे सीनेट फॉरम है, सीके एडिटर है, ये साइट पर जाकर आपको आपका अकाउंट बनाना है और वहाँ पर आपको पोस्टिंग करना है. सो जस्ट लाइक अभी आपने यहाँ देखा, ये पूरा क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो मुझे कुछ आंसर देना है, तो मैं भी यहाँ पर वो आंसर लिख सकता हूँ.
और उसमें आप मैं अपना बैकलिंक डाल सकता हूँ। सर ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए दिया है, और मैं टॉप पर अगर जाता हूँ तो मुझे राइट एंड आंसर मुझे लॉगिन करना रहेगा। इसके लिए मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। देखिए राइट एंड आंसर, तो यहाँ पर मैं एक आंसर भी लिख सकता हूँ जिसके अंदर मैं अपना एक बैकलिंक लगा सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मेरा ब्लॉग है जिस पे मैंने कुछ लिखा है, और इसी का मैं कुछ कंटेंट कॉपी लेकर अपने लिंक पर लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये टॉपिक कॉपी किया है इतना कंटेंट, और कोरा के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर ये पेस्ट किया। इसमें मेरा ऑलरेडी लिंक था, तो देखिए ये लिंक यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बन गया है, इंस्टेंट अप्रूवल आर्टिकल सबमिशंस। तो इस तरह से आपको डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, बैकलिंक क्रिएट करने के लिए आपको मिलेगा। और इसी तरह से आपकी साइट्स को आपको हाई अथॉरिटी रैंकिंग साइट से बैकलिंक क्रिएट करना है। और यहाँ पर देखिए जस्ट सबमिट करेंगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है और ये आंसर यहाँ पर आ जाता है। और ये हमारी साइट, जब भी गूगल इस साइट को क्रॉल करेगा और मैंने जो लिंक दिया है webly-digital.com को, उसको वो अप्रूव करेगा और एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो कि बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है? और भी अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।